हमने सारे बॉडी पार्ट्स के बारे में बात की थी, ठीक है। आज हम बात करते हैं मिट्टी चिकित्सा की, ठीक है। आजकल क्या है, हमें एलर्जी बहुत ज्यादा हो रही है। एलर्जी बहुत तरह की, किसी के दाने निकल रहे हैं, बॉडी खाली हो रही है, मोटे मोटे दाने, ब्लड निकल रहा है ना, किसी के नेक में है, किसी के कहाँ हो रहे हैं। तो इसके लिए ना मिट्टी चिकित्सा बेस्ट थेरेपी है। और भी है, लेकिन मिट्टी चिकित्सा जैसे प्रकृति से है, जल भी है, सूर्य भी है, और भी थेरेपीज हैं, ठीक है। मिट्टी चिकित्सा के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। तो इसका लेप बनाया जाता है, बहुत सारी मिट्टी है हमारे यहाँ, बहुत तरह की, रेतीली, बालू, दोमट, है ना। तो दोमट मिट्टी का यूज जो है मोस्टली किया जाता है, और भी मिट्टी का यूज किया जाता है, लेकिन इसका मोस्टली किया जाता है। तो इसमें क्या करते हैं, तो मिट्टी का लेप लगाते हैं। वो बनाते कैसे हैं, पहले हम उसकी बनावट देखते हैं, ठीक है। दोमट मिट्टी ही जो भी हमें थेरेपी करवाते हैं उनके पास ही सारे बने होते हैं, लेप तो बने ही होते हैं, तो बनाते हैं। एक दिन पहले वो लेप बनाते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, मिट्टी लेते हैं, उसमें कंकड़ पत्थर पहले जो भी है उसको छान के निकाल देते हैं, ठीक है। उसको रात को एक मिट्टी का एक जैसे खुदाई करके एक शेप बनाई जाती है, जैसे टप होते हैं ना, बाथिंग टप, उस टाइप की। उसमें क्या है, गीली मिट्टी पहले लगा के वो खांचे तैयार किए जाते हैं। उसके बाद हमें दोमट मिट्टी जो है, चिकनी मिट्टी है, उसको रात भर भिगो के रखा जाता है, छान की और उसको भिगो के रखा जाता है। भिगोने के बाद पूरा रात भर उसके अंदर नीम का पानी बॉईल करके नीम का पानी डाला जाता है, फिटकरी डाली जाती है, नींबू डाला जाता है, जिससे हमारे ये एलर्जीज जो है वो दूर हो सके। हमारे जितने भी इन्फेक्शन अंदर से हैं वो खींचता है, मिट्टी जो है खींचती है, एंटी बैक्टीरियल होती है, उसमें कोई बैक्टीरिया नहीं होती, बैक्टीरिया की अपोजिट काम करती है, ठीक है। वो बैक्टीरिया को फिनिश करता है, सोखता है, उसमें से हमारे शरीर में से सोख लेता है। आधे घंटे का प्रोसेस किया जाता है। अगर किसी की बॉडी गर्म हो रही है और गीले कपड़े से उसको सिर को ढका जाता है, सिर को ढक के अगर उसकी बॉडी गर्म हो रही है, मिट्टी ठंडी है, बॉडी गर्म है, तो उसका टॉवल चेंज किया जाता है, या फिर मिट्टी का लेप को गीला किया जाता है साइड से, ठीक है, टैपिंग की जाती है। तो और ऊपर से एक प्रोसीजर, तो एक टाइम जैसे डे में 30 मिनट का ही दिया जाता है, फिर उसको सनबाथ की जाती है, मिट्टी नहीं, ऊपर से सनलाइट आ रही है, मिट्टी को वो क्योर कर रही है, जो बैक्टीरिया ऊपर से आने की कोशिश कर रही है उनको खत्म कर रही है, ठीक है। हमारी बॉडी क्या है, और भी ज्यादा नरिश हो रही है। उससे क्या है, ये जो प्रॉब्लम्स, दाग, खुजली, जितनी भी हमारी रिंकल्स, पिंपल्स हैं, प्योर होती है पूरी बॉडी, ठीक है। पानी की कमी भी इससे पूरी होती है हमारी बॉडी में, मिट्टी से, ठीक है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है आजकल जो लड़कियों में आ रही है, या मेंस में भी आ रही है, हम ये नहीं कहते लड़कियों में आ रही, सब में ही आ रही है, कोई ना कोई नई बीमारी जनरेट हो रही है, चाहे डाइट चार्ट से जा रही है, डाइट को दूसरी मतलब बाहर से आ रही है तो उससे जा रही है, तो उससे भी हम इस चीज को खत्म कर सकते हैं। अगर हमें, मैं इसलिए बता रही हूँ, हमें जो चीजें लेट पता चली हैं आपको अभी से उस चीजों के बारे में पता चली। अगर आप घर पे जाके आज जो टॉपिक करवाया जाता है उसको नेट पे जाके आप सर्च करो, तो आपको वो भी ज्यादा नॉलेज मिलेगी, आपको अंदर से होगा कि मैं इस चीज को और जानू, है ना। तो आप इस चीज को और भी ज्यादा जान सकते हैं नेट के थ्रू, बेस्ट तरीके आजकल, है ना, इतना अच्छा तरीका हम उसको यूज कर सकते हैं, हम अपने टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर हमें कोई, अब आपने शायद, मेरे को आधे जनों ने सुना होगा मिट्टी चिकित्सा होती है, है ना, मैंने बता दिया तो आपको पता चल रहा है ये चिकित्साएं भी हैं, तो उसको और ध्यान से देखो। हो सकता है आप में से कल को कोई और थेरेपी भी दे इस चीज की भी, लोगों को ठीक करना सबसे, मतलब मन को कितना सेटिस्फेक्शन मिलता है इस चीज से, लोगों को ठीक कर रहे हैं, खुद भी हो रहे हैं, और हम उस चीज, जिस एनवायरमेंट में रहेंगे हम वो चीज अब खुद को तो ठीक करेंगे और दूसरों को भी ठीक करेंगे। तो इन चीजों को अपनाओ आप। जल चिकित्सा है, जल के बारे में हम बाद में बात करेंगे, सूर्य चिकित्सा, पूरी थेरेपीज के बारे में हम और भी बात करेंगे, ठीक है। और इसमें फिर बाद में इसमें थेरेपीज लगा, मिट्टी चिकित्सा दे दी हमने, उसको लेप वगैरह लगा दिया, उसके बाद वो ठंडे पानी से नहाता है जो इंसान, जिसको ये प्रोसेस किया जाता है, तो उसके बाद वो ठंडे पानी से नहा के बस बैठता है, आराम करता है बस। इसके बाद ये पूरे दिन का प्रोसेस होता है, 30 मिनट किया, उसके बाद दोपहर तक निकाल के वापस उसको
रात को, फिर अगर इसमें अगर हम मिट्टी का लेप करते हैं, फिर एक होती है इसमें कीचड़ की थेरेपी, मतलब बहुत पतला पतला दलदसा बनाया जाता है इसमें। तो क्या है, मिट्टी का लेप बना के उसको गूंथ के उसके ऊपर लेप किया जाता है, लेप हो गया ना ये, तो कीचड़ की तरह बना के उसमें भी हम करते हैं, ठीक है। यहाँ नहीं है अपनी गंगानगर में ये थेरेपीज नहीं है, लेकिन ये चीजें हैं जो पुराने हॉस्पिटल्स बहुत बने हुए हैं, हमें अवेयरनेस नहीं है इस चीज की, लेकिन बने हुए हैं, वो लेप करवाए जाते हैं। बूढ़े बुजुर्ग हैं, पड़े हैं बस, जिनको जो कहते हैं डिजीज जो ये पुरानी है छूने से हो जाती है ना, तो वो चीजें उनसे दूर की जाती हैं, ठीक है। तो बस आज का सेशन इतना ही। नीम का पानी, फिटकरी और हाँ नीम, दो मिनट मिट्टी कौन से चिकनी, ये सारी चीजें आप थोड़ा और सर्च करो इसको, और अच्छे से जान पाओगे। यहाँ तो हम शॉर्ट में बातें कर सकते हैं बस।